गुरुवार को छिंदवाड़ा के कांग्रेस सांसद नकुल नाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री तरुण भनोट, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे, कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना और अर्जुन सिंह काकोड़िया ने सिवनी पहुंचकर मृतक आदिवासियों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव भरोसा दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि लोगों को 10 मिनट पीछे मारेंगे और उनके घरों को धराशायी करेंगे। तो ये बात तो वहाँ हुई थी, वो अभी हुई नहीं, वो हुई नहीं। उसी बात आज 3 तारीख का ये फैसला, कल कितना 4 हो गया, आज 5, लेकिन कुछ सुनाई नहीं। आप चिंता मत करिए, हम अभी लड़ाई ऊपर तक लड़ेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे और अभी जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सबके घरों को नपवा के और तोड़वाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि सिवनी जिले में एक भीड़ ने गौ हत्या के संदेह पर 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला था। जिले के सिमरिया गांव में मंगलवार 3 मई को 15 से 20 लोगों की भीड़ ने संपत लाल बट्टी और धानसाई इनवाती नाम के 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला। ब्रजेश नाम के एक और आदिवासी को भी पीटा गया जो गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही मृतकों के खिलाफ लगे गौ हत्या के आरोप की जांच कर उनके घर से मिले 12 किलो मांस को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी सिवनी।